ग्वालियर से ठगी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानकर हर किसी के होश फंपता है। अभी आपने सोशल मीडिया पर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और तमाम तरह के दूसरे सामान खरीदने की बात सुनी होगी, लेकिन इस मामले में ऑनलाइन भैंस दिखाकर सौदा करके ठगी की गई। जी हां, आप चौंक गए होंगे, लेकिन एक ग्रामीण के साथ भैंस के चक्कर में धोखाधड़ी हुई। ग्रामीणों को फेसबुक पर भैंस दिखाई गई। पीड़ित होतम सिंह बघेल ने बताया है कि जयपुर के किसी अशोक डेयरी फार्म ने ऑनलाइन भैंस बेचने का विज्ञापन दिया था। उनके घर पर भैंस की जरूरत थी। फेसबुक के विज्ञापन को देखकर वो झांसे में आ गए। भैंस खरीदने के लिए उन्होंने ऑनलाइन ही 4,200 रुपए एडवांस जमा कर दिए, लेकिन ठग ने उसे झांसा देते हुए कुल 36,700 रुपए ट्रांसफर करवा लिए और चूना लगा दिया। अपनी शिकायत लेकर पीड़ित SP जन सुनवाई में पहुंचा और आप बीती सुनाई। उत्तम सिंह बघेल, हमने फेसबुक पर देखी अति उसका नंबर मिला हमको, हमने की भैंस चाहिए घर के लिए, कहीं मिल जाएगी 4,200 रुपये आप डाल दो, ऐसे ऐसे आ जाएगी। हमने डाल दिए रुपये, कही क्या अब GPS के लिए धौलपुर में गाड़ी ट्रैक नहीं कर रही, 12,000 रुपये डाल दो आप, ऐसे हमने डाले रुपये। फिर बोले बंदे कि हम आपके घर पे खाना खाएंगे, एक घंटे में आ रहे हैं हम। हमने खाना बनवा के तैयार रखा, फिर हमारे पास पैसे और डाले हमने, फिर पैसे ख़त्म हो गए। हमने दूध वाले से लाए हमने पैसे, वो भी डाल दे, फिर भैंस शाम तक नहीं आई। सुबह फ़ोन आया उनका कि भैंस का एक्सीडेंट हो गया है, कि अब हमने कि पैसे रिटर्न होंगे कि नहीं। मैंने हमारी पांव टूटी भैंस को वापस कर दीजिए बस, 86,000। ग्रामीण होतम सिंह का कहना है कि ठग ने उसे उसके घर पर आकर भैंस डिलीवर करने की बात कही और ठग ने उसे उसके लिए घर पर खाना बनाकर तैयार रखने को कहा। होतम सिंह इंतजार ही करता रहा और उसके घर कोई नहीं आया। बाद में बताया गया कि भैंस का एक्सीडेंट हो गया है, जिससे पीड़ित को समझ नहीं आया कि उसे ऑनलाइन चूना लगा दिया गया है, लिहाजा उसे पुलिस के पास ठग का मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और पैन नंबर पुलिस को दे दिया। थाना उटीला के अंतर्गत एक साइबर फ्रॉड हुआ है। आरोपी जो टॉक खुर्द का है, उसके द्वारा ये बताया गया कि उसके द्वारा ऑनलाइन भैंस खरीदने के लिए ऑनलाइन उसने कम्युनिकेशन किया और फिर उसके बाद फ़ोन नंबर से बात हुई। बात होने के बाद उसने जो अकाउंट में पैसा डलवाया और उसने पैसा डाल भी दिया। 86,000 की ठगी होगी, उसके साथ साइबर फ्रॉड है, वो उसको जानता नहीं है। ऑनलाइन उसके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है, तो थाना क्राइम ब्रांच में इसकी जांच की जा रही है। जल्दी इसमें आरोपी को पता लगाया जाकर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। भैंस खरीदनी थी और लगभग 86,000 रुपये उसने उसको पेमेंट कर दिया। ऑनलाइन भैंस खरीदने के चक्कर में ग्रामीण को हजारों रुपए गंवाने पड़े। फिलहाल SP जन सुनवाई में पीड़ित ने उसे न्याय दिलाने की मांग की है, लिहाजा ठग के दस्तावेजों के आधार पर पुलिस ने मामले की तफ्तीश करने की बात कही है। पंजाब के CCTV के लिए ग्वालियर से अंकुर जैन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।